डेली करंट न्यूज में अभी की खबर है, राष्ट्रीय युवा दिवस 2023। देश भर में हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस यानी नेशनल यूथ डे के रूप में मनाया जाता है। ये दिवस स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य प्रतिभावान युवाओं को राष्ट्र निर्माण हेतु प्रेरित करना, पहचान दिलाना तथा विवेकानंद के विचारों व दर्शन को अपनाने हेतु प्रोत्साहित करना है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा 12 जनवरी को कर्नाटक में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया जा रहा है। इस महोत्सव की थीम है विकसित युवा विकसित भारत। अब बात करें स्वामी विवेकानंद की, तो इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को तत्कालीन कलकत्ता यानी वर्तमान कोलकाता में हुआ था। ये महान दार्शनिक, विचारक और भारत में युवाओं के सबसे बड़े संरक्षक माने जाते हैं। ये 19वीं सदी के रहस्यवादी और योगी रामकृष्ण परमहंस के प्रमुख शिष्य थे। इन्होंने वेदांत के प्राचीन हिंदू दर्शन पर आधारित विश्वव्यापी आध्यात्मिक आंदोलन रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ की स्थापना की। सामाजिक सुधार के उद्देश्य से वे ब्रह्म समाज में शामिल हुए। विवेकानंद को औपनिवेशिक शासन के दौरान आधुनिक हिंदू धर्म के पुनरुद्धार और प्रेरक राष्ट्रवादी चेतना में योगदान देने का श्रेय दिया जाता है। इन्हें सर्वाधिक ख्याति शिकागो में 1893 के प्रसिद्ध भाषण से मिली, जिसमें उन्होंने पश्चिमी दुनिया को हिंदू धर्म का परिचय दिया था। 4 जुलाई 1902 को इनका निधन हो गया। सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें आधुनिक भारत का निर्माता की संज्ञा दी थी। अब बात करें राष्ट्रीय युवा दिवस यानी नेशनल यूथ डे की, तो स्वामी विवेकानंद की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय 1984 में लिया गया। पहला राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी 1985 को मनाया गया। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न स्कूलों कॉलेजों में भाषणों, युवा सम्मेलनों, सेमिनारों, योगासनों आदि सहित खेलकूद कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इस मौके पर हर साल एक अलग राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के सहयोग से 12 से 16 जनवरी तक राष्ट्रीय युवा सप्ताह का आयोजन किया जाता है।